लोकसभा चुनाव 2019 में हम उन पहलवानों की बात करेंगे जो 2019 के अखाड़े में अपनी भूमिका निर्णायक रूप से अदा करेंगे। इनमें सबसे बड़े पहलवान हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां, वे गेम चेंजर कहे जाते हैं और उनकी ताकत इतनी अधिक है कि वे अपने भाषणों से युवाओं सहित देश की सभी पीढ़ी को प्रभावित करते हैं। पिछली बार यह नारा दिया गया था कि अब की बार मोदी सरकार, और ऐसा ही हुआ और जो मोदी लहर बनी उसमें कांग्रेस का तो सूपड़ा साफ ही हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव में बेहद निर्णायक भूमिका भी निभाते हैं और देश की सभी सीटों पर उनका प्रभाव भी देखा गया है। इसके बाद नंबर आता है भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह का। अमित शाह को भी गेम चेंजर माना जाता है। वे रणनीतिकार हैं, वे रणनीति बनाते हैं और उनकी रणनीति के बाद ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लगातार कई राज्यों के परिणाम आए और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती चली गई। यहाँ तक कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला था वहाँ भी अमित शाह ने बहुमत दिलाने में और सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अमित शाह ने अपने कमाल दिखाए और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में फैल गई। इसके बाद हम बात करेंगे मायावती की। जी हाँ, मायावती एक ऐसी महिला नेता हैं जो उत्तर प्रदेश में अपने अलग चुनावी समीकरण रखती हैं। वे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं और उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि पिछड़ी जातियों में उनकी गहरी पेट है और वे उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में बेहद निर्णायक भूमिका अदा करती हैं। और इस बार अखिलेश से जो उनका गठबंधन हुआ है उसने भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम कर दी है। मायावती के बारे में यह भी कहा जाता है कि उनकी जब लहर चलती है तो कोई अंदाज भी नहीं लगा सकता कि परिणाम इतने अच्छे ढंग से उनके पक्ष में आएंगे। और यही स्थिति अखिलेश यादव की भी है। अखिलेश यादव जो कि मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं इन दिनों बेहद सक्रिय हैं और उन्होंने मायावती से समझौता करके यह साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ने में अगर कोई उत्तर प्रदेश में सक्षम है तो वे हैं मायावती और अखिलेश यादव। उन्होंने कांग्रेस को भी इस बार दरकिनार कर दिया। पिछली बार कांग्रेस के सहयोग से उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था लेकिन इसमें कोई खास सफलता उन्हें नहीं मिली। इसके बाद हम बात करेंगे कांग्रेस के राहुल गांधी की। राहुल गांधी के बारे में यह कहा जाता है कि वे इन दिनों बहुत आक्रामक मूड में हैं। उनके तेवर 3 राज्यों के चुनाव में दिखाई दिए और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब देखने वाली बात यही होगी कि राहुल गांधी इस लोकसभा चुनाव में क्या भूमिका निभाते हैं और वे अपनी पार्टी को कितना बहुमत दिला पाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे प्रियंका गांधी की। जी हाँ, प्रियंका गांधी कांग्रेस की महासचिव बनाई गई हैं और उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव का प्रभार उन्हें सौंपा गया है। देखने वाली बात यही होगी कि प्रियंका गांधी इस बार कांग्रेस को कितना सहयोग करती है और कितना उनका प्रभाव है और कितना उसका फायदा कांग्रेस को मिल पाता है, क्योंकि प्रियंका गांधी जनता के बीच बेहद लोकप्रिय है और ऐसा कहा जाता है कि प्रियंका गांधी के आने के बाद कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना है। अब हम बात करेंगे ममता बनर्जी की, जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं और बेहद कद्दावर नेता हैं। ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी के दुश्मन नंबर 1 है और वे इस मूड में हैं कि महागठबंधन के माध्यम से नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए। उनके साथ हैं इस पूरे मामले में नवीन पटनायक भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं और उनका उड़ीसा में बेहद अच्छा प्रभाव रहा है। कुल मिलाकर नीतीश कुमार के बारे में यह कहा जा रहा है कि बिहार में वे स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और वे और भारतीय जनता पार्टी मिलकर यहाँ पर लालू यादव और तेजस्वी यादव को चुनौती देंगे। योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और वे भी बेहद अहम भूमिका निभाने वाले हैं। कट्टर हिंदूवादी के रूप में आदित्यनाथ की छवि है और वे इसी को इस लोकसभा चुनाव में भुनाने की कोशिश करेंगे। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।